नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमाली। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। संगम नगरी प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जमकर पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद के आलिशान मकान को जमींदोज कर दिया। जबकि उस दिन से पुलिस की टीम लगातार अटाला में गश्त कर रही है। वही बीते दिन जब एक बार फिर नगर निगम का बुलडोजर अटाला क्षेत्र में पहुंचा तो वहां पर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। हालांकि नगर निगम के दस्ता द्वारा अटाला क्षेत्र की गलियों में इकट्ठा हुए पत्थरों को जेसीबी से लाद कर वहां से बाहर ले जाया जा रहा था। वह इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से गलियों के अंदर पड़े पत्थरों को हटाया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि बीते जुम्मे की दिन प्रयागराज में जो भी हिंसा हुई थी उसको लेकर लगातार प्रयागराज यानी कि संगम नगरी में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है और पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। वह इस दौरान जब एक बार फिर अटाला क्षेत्र में प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई और वहां तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। वह इस मामले पर अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से गलियों के अंदर जो भी बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। तो उसी को वो देखते हुए कि पुनः ये वो भविष्य में इस तरह का कोई ये वो गतिविधि ना हो और हिंसा ना हो, इसलिए इसको हटवाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, बीते दिनों जुम्मे की नमाज को लेकर जो भी हिंसा हुई थी उस पर पुलिस प्रशासन का लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर आपके पास? जी मुस्कान, जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज से अटाला क्षेत्र में बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जमकर पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी और इस दौरान प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में करीब 4 घंटे तक सड़कों पर अफरा तफरी मची रही। मामले के बाद प्रशासन द्वारा घटना के जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद जावेद उर्फ मोहम्मद पंप, उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद से पुलिस की टीम जो है लगातार उस पूरे क्षेत्र में दबिश दे रही है और सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि कल दूसरे समय शाम को समय नगर निगम का दस्ता प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में पहुंचा और जो गलियों में जो पत्थर या ईंट पत्थर रखे गए थे उनको एहतियातन वहां से हटाया गया है कि आने वाले कल में चुकी 2 दिन बाद फिर से जुमे की नमाज होनी है और ऐसे में किसी तरह की कोई उस पर कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई बातें सामने आए ना, एहतियातन जो है प्रशासन और नगर निगम की टीम ने वहां से पत्थरों को वहां से हटवाया है। जी मुस्कान, भवन अगर देखा जाए तो 2 दिन बाद एक बार फिर जुमे की नमाज होनी है, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हुई है? पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से यहाँ पे जो तस्वीरें सामने आई थी प्रयागराज में, इसको लेकर अगर जिले के अधिकारियों की बात की जाए तो लगातार पुलिस की टीमें अटाला क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। पुलिस की टीमें वहां पर लगाई गई हैं, दिन रात वहां पे पुलिस कर्मी ड्यूटी दे रहे हैं और जिले के जो आला अधिकारी हैं, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, लगातार उस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जो अभी तक जो कार्रवाई है वो चलती जा रही है लगातार, जिसमें जो सीसीटीवी या कैमरे के आधार पे जो दंगाई सामने आ रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले जो जुमे की नमाज है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है और प्रशासन कहीं कोई भी कोताही नहीं बरतने के मूड में दिख रहा है। जी मुस्कान, पवन अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और दंगाइयों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, तो अभी तक कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है? प्रशासनिक जो अभी तक बातें सामने आई हैं उसमें 92 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, 5,000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार का कहना है कि किसी भी जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी आम इंसान को वहां पे परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, जो जरा सा भी संदिग्ध नजर आता है पुलिस उसको पकड़ती है, पूछताछ करती है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का साफ तौर पे कहना है कि इसमें किसी भी तरह के जो दोषी हैं उनको कतई भी बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी जो उसमें दोषी नहीं है उसको परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, पुलिस अपने तरीके से कार्य कर रही है, उसमें जो भी दोषी होंगे उनको ऊपर निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई करने की बातें सामने आई हैं। जी धन्यवाद पवन पटेल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फरुखाबाद में जिला अस्पताल लोहिया के पीकू वार्ड में जमकर हंगामा मचा।
पीकू वार्ड में तैनात स्टाफ नर्सों के साथ एक अधेड़ ने जमकर अभद्रता की और व्यक्ति की इस हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि पीकू वार्ड में भर्ती कासगंज के एक दंपत्ति के बच्चे को देखने के लिए एक अधेड़ पहुंचा था। वही मामले की जानकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की ओर से जिलाधिकारी को दी गई। इसी के साथ डीएम के निर्देश पर जिला अस्पताल लोहिया के पीकू वार्ड में जांच के लिए एसडीएम सदर भी पहुंचे हैं। तो खबर फरुखाबाद से सामने आ रही है, जहां एक अधेड़ ने स्टाफ नर्सों के साथ अभद्रता की है। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही इस मामले के सामने आने पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुका है। साथ ही अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या कुछ वजह निकल के सामने आ रही है जो अधेड़ ने ऐसी अभद्रता स्टाफ नर्सों के साथ की। वार्ड में कोई ड्रिंक करके अधेड़ आदमी है, 45 ईयर्स 50 ईयर्स उसकी एज रही होगी जी, वो घूम कर हंगामा काट रहा था। और हंगामा करने के बाद जो हमारी नर्सेस हैं उनको तंग करने की कोशिश कर रहा था। जब नर्सों ने वीडियो बनाना शुरू किया तब एकाएक छोड़ के भागा। डॉक्टर साहब भी आ गए थे तब तक। उसके बाद ये सूचना डॉक्टर साहब के द्वारा डीएम महोदय को भेजा गया था। डीएम महोदय के द्वारा सूचना हमें दिया गया और तब मैं यहाँ पर आया हूँ इंक्वायरी करने के लिए। तो आवास विकास चौकी इंचार्ज से हमसे वार्ता हो गई है और उसका वीडियो है हम लोग के पास, हम लोग नेसेसरी एक्शन लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरुखाबाद से हमारे संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, जिला अस्पताल में स्टाफ नर्सों के साथ अभद्रता का मामला निकल के सामने आ रहा है, तो क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ? जी, बताना चाहूंगा कि देर रात ही उस व्यक्ति के खिलाफ जो स्टाफ नर्स वो जिला अस्पताल का जो स्टाफ है उसके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को पत्र शिकायती पत्र लिख के कहा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए, साथ ही उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई उसके लिए भी पुलिस प्रशासन को आदेशित किया जाए। आपको बता दें कि इस मामले का जो शुरुआत होती है वो ये इसलिए होती है क्योंकि जो नन्ने लाल जाटव ये ककराला थाना दरियाईगंज कासगंज के निवासी थे, अपने एक 2 वर्षीय बच्चे को लेकर आते हैं जिला अस्पताल लोहिया पीकू वार्ड में भर्ती करते हैं। और वहीं पर होता है कि एक व्यक्ति था बाहर का अधेड़, वो बाहर से आ जाता है और उसके द्वारा वहां पर स्टाफ नर्सों से हंगामा किया जाता है। इस मामले की सूचना किसी के द्वारा डीएम संजय कुमार सिंह को दे दी जाती है तो देर रात में ही तत्काल जो सदर एसडीएम है उनको भेजते हैं, उनके द्वारा मामले पर जाकर जांच पड़ताल की जाती है। आवश्यक पुलिस बल भी वहां पर तैनात करा दिया जाता है। अभी कह सकते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ उसकी कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन कहेंगे प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था तो मजबूत वहां पर कर दी है। बिल्कुल, धन्यवाद सुंदरम सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव हिदायतपुर चौड़ावाला और टांडा में इन दिनों कई लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं, जबकि डायरिया के फैलने से एक 10 वर्षीय बच्चे समेत 3 लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग बीमार चल रहे हैं जिनका इलाज निजी चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। वही डायरिया फैलने की खबर से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद गाँव में स्वास्थ्य विभागों की टीमों ने अपना डेरा डाल रखा है, जिसमें ग्रामीणों की जांच शुरू कर दी गई है और ग्रामीणों को सरकारी और योग्य चिकित्सकों से उपचार करने की सलाह और बीमारी से बचाव करने की भी जानकारी दी जा रही है। हमारे सीएमओ डॉक्टर गुप्ता और हमारे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर सर्विस निराला भी साथ आए हैं। कल जो डॉक्टर एमएससी साहब को सूचना मिली थी कि एक मरीज की कल सुबह और एक परसों शाम को 50-10 से मृत्यु हुई है, इसके संबंध में डॉक्टर साहब ने कल यहाँ पर पूरा हेल्थ कैंप लगवाया है और गांव में हर घर में जाके आशाओं द्वारा सर्वे किया जा रहा है कि कोई बीमार तो नहीं है, अगर कोई है तो उसको दवाई हल्की फुल्की बीमारी में उनको दे दी जा रही है, ORS दे दिया जा रहा है और उन सबको बताया जा रहा है आश्रम के माध्यम से और हमारी एन एम बहन जी के माध्यम से कि अपना पानी को सफाई के साथ उबाल के ठंडा करके पीना है। ये जानकारी में भी आया है कि कुछ जगह जो पानी की सप्लाई है उसमें कहीं डिफेक्ट है, कहीं लीकेज है, उसके लिए नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है तो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करा दें। सुल्तानपुर में 2 साल से फरार चल रहे शातिर बदमाश देवान सिंह को पुलिस ने चकमा दे दिया। दरअसल कई मामलों में वांछित चल रहे शातिर बदमाश के घर कार्रवाई को लेकर बुलडोजर पहुंचा हुआ था, लेकिन कार्रवाई के समय पुलिस को जानकारी मिली कि शातिर बदमाश देवांश ने सोमवार को ही पड़ोसी जिले अयोध्या में सरेंडर कर दिया है और बदमाश के सरेंडर करने की जानकारी पिता ने पुलिस को दी। फिलहाल जानकारी लगते ही पुलिस ने बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी है और अयोध्या में सरेंडर करने के मामले में अब पुलिस प्रशासन द्वारा पड़ताल की जा रही है। थाना कादीपुर का एक अभियुक्त है ऋषि सिंह, जिसकी आज
82 प्राप्त हुई थी, 82-83 पे कार्रवाई होनी थी। तब तक उसके पिता ने ये एक सूचना दिया कि व्हाट्सएप पे ही सूचना दिया कि वो सरेंडर एप्लीकेशन डाला है, इस संबंध में उसकी जांच की जा रही है और जो अग्रिम कार्रवाई है तदनुसार की जा रही है। खबर सुल्तानपुर से सामने आ रही है जहां बुलडोजर की कार्रवाई को पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया है, क्योंकि पुलिस को ये जानकारी आरोपी के पिता द्वारा दी गई कि उसने कुछ ही दिन पहले अभी अयोध्या के थाने में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई रोक दी है। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह प्रशासन का बुलडोजर जो अपराधी है उसके घर के बाहर मौजूद था। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। दबंगों ने पूर्व सैनिक के घर में घुसकर मारपीट की और मारपीट में करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्राथमिक इलाज के बाद 4 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। दबंगों की दबंगाई का ये मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मड़ौली गाँव का बताया जा रहा है। उनके बेटे विपिन सिंह और उनके लड़के महेंद्र सिंह और विवेक सिंह, ये 5 लोग घर में हमारी दीवार तोड़ के घुस गए और हमारा टीन उठा के फेंक दिए, दीवार तोड़ के घर में घुस गए और हमारे पिताजी को मारने लगे। फिर हमारा छोटा भाई जैसे पहुंचा उसको भी मार दिए। जब गुहार हुई तो हम भी पहुंचे वहाँ पे, हमारा बड़ा भाई भी पहुंचा। जैसे जैसे हम पहुंचते गए वो मतलब मारते गए, हम लोग थे नहीं, वो लोग पूरे इकट्ठे थे, हम एक एक करके पहुंचते गए, हम लोगों को मार दिया। कितने लोग घायल हैं आपके? हमारे 5 घायल। गाजीपुर में आईजी वाराणसी ने नंदगंज थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क, कार्यालय, हवालात, मालखाना, मेस बैरक को भी चेक किया गया। इसके बाद अपराध से संबंधित रजिस्टरों का भी जायजा लिया गया और अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी ली गई। थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटों के बारे में भी जानकारी ली गई। इसके बाद अधिकारी ने पब्लिक मीटिंग और जनता से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी इलाके में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर खेड़ा नगर पालिका परिषद की टीम एक्टिव हो गई है। एनजीटी के निर्देशानुसार एंटी स्मॉग गन का उद्घाटन नगर पालिका परिषद ने किया। खोड़ा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रीना भाटी ने बताया कि बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एंटी स्मॉग गन को इस्तेमाल में लाया गया है, ताकि इस मशीन से प्रदूषण को कम किया जा सके और लोग बीमार होने से भी बच सके। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह प्रदूषण कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन का जनपद में प्रयोग किया जा रहा है, ताकि लोग प्रदूषण के साथ साथ जो प्रदूषण से हो रही जो गंभीर बीमारियां हैं उससे भी अपना बचाव कर सके। संबल के भैजोई कोतवाली क्षेत्र के संबल भैजोई रोड पर गांव बेहटा जयसिंह के पास एक तेज रफ्तार ने बाइक सवार सिपाही को टक्कर मार दी, जहां टक्कर लगने से मौके पर मौजूद लोगों ने सिपाही समर सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि थाना हयात नगर क्षेत्र के गाँव अख्तियारपुर का रहने वाला सिपाही समर सिंह बरेली जनपद में ट्रैफिक पुलिस के पद पर तैनात था और सिपाही घर पर 3 दिन की छुट्टी लेकर आया था, जबकि इस पूरे हादसे के बाद मृतक सिपाही के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और सभी का रो रोकर बुरा हाल है। वही जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि सिपाही शादीशुदा है, जिसकी एक 3 वर्षीय बच्ची भी है। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान लोनी बॉर्डर क्षेत्र में नहर रोड पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से गौ तस्कर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने गौ तस्कर शहजाद को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, जहाँ पुलिस को मुठभेड़ के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। एक शातिर बदमाश शहजाद, जिसका नाम है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, जो कि एक बहुत ही शातिर किस्म का गौकश है और इसके ऊपर कई मुकदमे गौकशी के एवं अन्य अपराधों के पंजीकृत हैं।
इसके साथ थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के उपरांत ये बदमाश घायल हुआ है। बाकी इसमें और भी इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि इसके विरुद्ध और कौन से अपराध हैं और इसके कौन अन्य साथी, इसका एक साथी राजू जो कि इसके साथ था वो फरार हो गया है और इसमें जानकारी की जा रही है और कौन कौन इसके साथी हैं और किस किस तरह से ये सब चीज़ें करता है। अलीगढ़ के अकराबाद थाना इलाके के गांव हैदर नगर में मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करने वाले मजदूर की झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद झोपड़ी में रखा मजदूर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वह इसके बाद मजदूर मदद की गुहार लगाने अकराबाद पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जबकि गरीब मजदूर का कहना है कि अब उसके पास एक वक्त का खाना भी नहीं बचा है। हालांकि घटना की सूचना पर राजस्व विभाग से लेखपाल मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित को मदद करने का आश्वासन भी दिया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक गरीब मजदूर जो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन भीषण गर्मी की चपेट में उसका आशियाना भी जलकर राख हो गया है। मुझे बच्चे बुलाने गए थे, एक मेरे भाई के यहाँ प्रोग्राम है, उसके यहाँ जा रहा था तो वहाँ से रास्ते में से आया हूँ, जब देखा आग लग रही है। झोंपड़ी में रहता हूँ, झोंपड़ी में जो भी है बर्तन कपड़े लत्ते सारे सब जल चुके हैं। अच्छा, आपने इस संबंध में किसी राजस्व विभाग के अधिकारी को बताया? हाँ, लेखपाल साहब के लिए सूचित किया था, फ़ोन किया था, तो लेखपाल साहब आए हैं। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा था कि जो भी बनेगा और लिख के ले गए चले गए। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।